नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सेब चंदन। तो आज सिखाऊंगा दोस्तों आपको ड्राई फ्रूट बिरयानी की एक यूनिक सी रेसिपी जो जायकेदार है, रिच है और पौष्टिक। ड्राई फ्रूट बिरयानी बनाने के लिए आप पैन में डालिए 2 चम्मच देसी घी, 2 तेज पत्ता, साबुत गरम मसाला, साबुत जीरा, चॉप किया ऑनियन। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए इस तरीके से। 1 चम्मच डाले गार्लिक जिंजर का पेस्ट। गार्लिक जिंजर ब्राउन होने के बाद इसमें डालिए टमाटर चॉप किया हुआ और फ्रेंड इसमें डालिए ड्राई फ्रूट मिक्स। इसको भी हल्का सा कुक्ड कर दीजिए। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। पूरा मसाला मिक्स होने के बाद इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। 2 चम्मच डाले इसमें दही, हरा धनिया, फ्लेवर के लिए पुदीना और फ्रेंड्स इस मसाले को 1 मिनट तक इस तरह से भूनते रहिए। और फ्रेंड्स ये है बासमती चावल जिसको 1 घंटे पहले मैंने सोकिंग कर दिया था, पानी निकाल के अब मैं डालूंगा इसमें। और फ्रेंड्स ये राइस जो है 1/2 किलो था, इसमें डालूंगा मैं पानी। और दोस्तों ध्यान रखना कि पानी राइस के ऊपर तक होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना करीबन डालिए आप। और जो मैं बिरयानी बना रहा हूँ ये राइस को पहले उबाल ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्टीम से बना रहा हूँ मसाले के साथ। इसमें लगा दूंगा ढक्कन 1 मिनट तक के लिए, जब तक ये चावल बॉयल ना हो जाए। अब देखते हैं चावल कितना पका हुआ है। राइस का पानी पूरा खत्म हो चुका है, इसके ऊपर डाल दूंगा मैं हरा धनिया, मोटा कटा हुआ 2-4 हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना फ्लेवर के लिए, इलायची पाउडर, अच्छा अरोमा आ जाएगा, 2 चम्मच केसर जिसको मैंने पानी में घोल रखा था, 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन। अब मैं इसमें लगा दूंगा दम हल्की आंच में 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स बिरयानी है तैयार, मैं इसको चेक करता हूँ और हम आप करूँगा प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए बिरयानी बहुत ही यमी एंड टेस्टी बना हुआ, देखिए दाने दाने अलग अलग हो गए राइस के। और सर्व करने से पहले इसके ऊपर हरा धनिया, ऑनियन और ये रायता के साथ इसको गर्मा गर्म आप अपने परिवार के साथ बिरयानी का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सेब चंदन। तो आज सिखाऊंगा दोस्तों आपको ड्राई फ्रूट बिरयानी की एक यूनिक सी रेसिपी जो जायकेदार है, रिच है और पौष्टिक। ड्राई फ्रूट बिरयानी बनाने के लिए आप पैन में डालिए 2 चम्मच देसी घी, 2 तेज पत्ता, साबुत गरम मसाला, साबुत जीरा, चॉप किया ऑनियन। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए इस तरीके से। 1 चम्मच डाले गार्लिक जिंजर का पेस्ट। गार्लिक जिंजर ब्राउन होने के बाद इसमें डालिए टमाटर चॉप किया हुआ और फ्रेंड इसमें डालिए ड्राई फ्रूट मिक्स। इसको भी हल्का सा कुक्ड कर दीजिए। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। पूरा मसाला मिक्स होने के बाद इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। 2 चम्मच डाले इसमें दही, हरा धनिया, फ्लेवर के लिए पुदीना। और फ्रेंड्स इस मसाले को 1 मिनट तक इस तरह से भूनते रहिए। और फ्रेंड्स ये है बासमती चावल जिसको 1 घंटे पहले मैंने सोकिंग कर दिया था, पानी निकाल के अब मैं डालूंगा इसमें। और फ्रेंड्स ये राइस जो है 1/2 किलो था, इसमें डालूंगा मैं पानी। और दोस्तों ध्यान रखना कि पानी राइस के ऊपर तक होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना करीबन डालिए आप। और जो मैं बिरयानी बना रहा हूँ ये राइस को पहले उबाल ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्टीम से बना रहा हूँ मसाले के साथ। इसमें लगा दूंगा ढक्कन 1 मिनट तक के लिए, जब तक ये चावल बॉयल ना हो जाए। अब देखते हैं चावल कितना पका हुआ है। राइस का पानी पूरा खत्म हो चुका है, इसके ऊपर डाल दूंगा मैं हरा धनिया, मोटा कटा हुआ 2-4 हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना फ्लेवर के लिए, इलायची पाउडर, अच्छा अरोमा आ जाएगा।
दो चम्मच केसर जिसको मैंने पानी में घोल रख रखा था, एक चम्मच देसी घी और थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन। अब मैं इसमें लगा दूंगा दम हल्की आंच में 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स बिरयानी है तैयार, मैं इसको चेक करता हूँ और हम आप करूँगा प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स देखिए बिरयानी बहुत ही यमी एंड टेस्टी बना हुआ, देखिए दाने दाने अलग अलग हो गए राइस के। और सर्व करने से पहले इसके ऊपर हरा धनिया, ऑनियन और ये रायता के साथ इसको गर्मा गर्म आप अपने परिवार के साथ बिरयानी का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।